एवरीवन, बेस्ट मैन बायोलॉजी की फ्री वीडियो क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ मैं संजय द्विवेदी। लास्ट वीडियो क्लास में इकोलॉजी के पहले पहले चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस का एक्सरसाइज कराया गया था। द सेकंड चैप्टर ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम, और आज हम इकोसिस्टम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सरसाइज करेंगे। एक एक करके हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उनके आंसर्स भी बताएंगे, जहां जरूरत होगी वहां पे उनके रीजन भी सही होने के बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड, ऑप्शन में दिया है कम्युनिटी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और सक्सेशन। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, नेचर को यदि इकाई में बांटकर हम पढ़ने की कोशिश करें तो वही ही इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस होते भी हैं। इसी रिलेशनशिप की पढ़ाई करना इकोसिस्टम है। सेकंड क्वेश्चन, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट एंड फॉर्म इकोसिस्टम। यही तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग के फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं और एक प्रकार का सिस्टम बना लेते हैं। सिस्टम किस बात का होगा? फॉर साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, एक है बायोटिक जिसमें लिविंग बींग है, एक में है एबायोटिक जिसमें मिनरल्स हैं और लाइट है। इस मिनरल और लाइट का लिविंग सिस्टम में ट्रांसफर होना और उनकी साइक्लिंग होना एनवायरमेंट के साथ इकोसिस्टम है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम है? पहला लिखा है ए स्मॉल पॉन्ड, ए लार्ज फॉरेस्ट, ए सी। तीनों इकोसिस्टम है। आंसर सही हुआ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ इज regarded to as a global ecosystem। अर्थ पे जितना भी लोकल इकोसिस्टम है उनको जोड़ दें तो जो कुछ बनकर तैयार हुआ उसी को हम ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बायोटिक कम्युनिटी अलोंग विद इट्स इंटरैक्टिंग फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस। ये भी इकोसिस्टम का ही डेफिनेशन हुआ। जो बायोटिक कम्युनिटी है वह फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरैक्शन करती है वही उसी की पढ़ाई करना, उसी की जानकारी हासिल करना इकोसिस्टम हुआ। इस तरह से हम देख रहे हैं क्वेश्चंस में इकोसिस्टम को लेकर डिफरेंट डिफरेंट मोड से एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल्स द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। जो फॉरेस्ट में टॉल ट्रीज का होगा वही ग्राउंड पे लाइट को लाने में लिमिट करेगा, और इस तरह से सही ऑप्शन हुआ टॉल ट्रीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन इज। किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल होने के लिए और उसको जारी रखने के लिए मूलतः किस चीज की आवश्यकता होती है? पहले नंबर पर लिखा है फोटोसिंथेसिस, दूसरे नंबर पर लिखा है डीकंपोजिशन, तीसरे नंबर पे लिखा है ए कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, चौथे नंबर पे लिखा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन।
राइट आंसर इज ए कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाए रखने के लिए उसमें सोलर एनर्जी का कांस्टेंट इनपुट जरूरी है, तभी तो प्रोड्यूसर होंगे। जब प्रोड्यूसर होंगे तो उनपे सरवाइव करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उनपे सरवाइव करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उनपे सरवाइव करेंगे टर्सरी कंज्यूमर, और इन चारों के डेथ होने पर सरवाइव करेंगे डिकम्पोजर। डिकम्पोज होने के बाद सारा सिस्टम मिनरलाइज हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा एब्जॉर्ब होते हुए प्राइम प्रोड्यूसर में चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। कह रहा है कि किसी वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एक ही इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल अचीव पे पाया जाता है। आप पाएंगे कि फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूसर है, वह किसी और ट्रॉफिक लेवल पे नहीं होगा। फ्रॉग जो है कार्निवोर्स है, वह किसी और पे नहीं होगा। फिश जो है दोनों कैटेगरी में होती है, हर्बीवोरस भी होती है और कार्निवोरस, इसलिए राइट आंसर हुआ फिश। क्वेश्चन नंबर 9। इन इकोसिस्टम साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 10। बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर्स इज कॉल्ड बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हर्बीवोर। वह बायोमास जो हर्बीवोर को कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल होता है और डिकम्पोजर के लिए अवेलेबल होता है, उसी को हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11th लेते हैं। द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर, ऑप्शंस दिए गए हैं और उनके कॉम्बिनेशन को आंसर में बताना है। ऑप्शंस में है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, एनर्जी फ्लो, सक्सेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें से प्रोडक्टिविटी सही है, डिकम्पोजिशन भी फंक्शनल कंपोनेंट है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी फंक्शनल कंपोनेंट है और एनर्जी फ्लो भी फंक्शनल कंपोनेंट है, यानी राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 12। द ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम इंक्लूड्स phytoplanktons, yes correct, some algae, yes correct, floating submerged marginal plants found at the edges, yes it means the right answer is all of the above. Question number 13. The consumers of pond ecosystem are represented by zooplankton, free swimming forms, bottom dwelling forms, zooplankton bhi sahi, free swimming forms bhi sahi, बॉटम ड्वेलर्स भी सही, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हुआ स्टैंडिंग क्रॉप। Standing crop is the mass of living matter at a trophic level in an area at any time. Trophic level kya hai? Trophic level, the food level of ecosystem is called trophic level. Jaise producer ek food level hua, primary consumer yani herbivore ek food level hua, inhi ko hum trophic level kehte hain. Question number 15. Which occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? फिर से यह सवाल दूसरे ढंग से पूछा गया है। इसके पहले सवाल पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए था, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ट्रॉफिक लेवल सेम इकोसिस्टम के मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल पे पाया जा सकता है। ऑप्शन में लिखा है स्पैरो, गोट, गोट इज हर्बीवोर, दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे नहीं हो सकती, लायन इज टॉप कंज्यूमर, ये भी नहीं हो सकता,
फ्रॉग इज ऑल्सो कार्निवोर, ये भी नहीं हो सकता। द आंसर इज स्पैरो। स्पैरो कैन सर्वाइव ऑन हॉप्स, इवन इट कैन ईट इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट्स। यानी स्पैरो में प्रेजेंट एट मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ हम बता दें सक्सेशन क्या है। सक्सेशन किसी जगह पे प्लांट्स को बसने को कहते हैं। कहीं को कहीं प्लांट है नहीं, वहां प्लांट उगने लगे, प्लांट नेचुरली ग्रो करने लगे, आ जाए, उनको हम सक्सेशन कहते हैं। जब बेयर लैंड हो, जहां पे बिल्कुल कुछ कुछ भी ना हो प्लांट, और वहां पे सक्सेशन हो, तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। लेकिन जहां पे पहले से प्लांट्स हो और उनको रिप्लेस करके दूसरे प्लांट्स आए, तो उनको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पूछा गया है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, नो। द सिमिलर बट फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, इट इज सिमिलर बट फास्ट, इट इज नॉट सिमिलर बट फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक, नो। इट बिगिंस, इट डजंट बिगिंस ऑन बेयर रॉक। द आंसर इज इट अकर्स ऑन डीफॉरेस्टेड साइट। डीफॉरेस्टेड साइट पे पहले से फॉरेस्ट होते हैं, किन्हीं कारणों से, आग लग जाने के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से, ओवरग्रेजिंग के कारण वहां की फॉरेस्ट हट जाती है और फिर उस जगह पे दूसरे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और इसी को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बोथ हाइड्रार्च एंड चिरार्च सक्सेशन लीड्स टू। हाइड्रार्च इज सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर, जिरार्च इज सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन चेरी कंडीशन, ड्राइड कंडीशन। अब पूछ रहा है कि दोनों केस में सक्सेशन में क्या होता है। दोनों केस में मीडियम वाटर कंडीशंस होती है, हाइड्रार्च और जिरार्च में लीड्स टू मीडियम वाटर कंडीशन। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज सेडिमेंटरी साइकिल। ऑक्सीजन गैसियस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल भी गैसियस साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल भी गैसियस साइकिल है। द आंसर इज फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस और सल्फर की साइकिल सेडिमेंटरी साइकिल होती है। यह बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फाइटोप्लैंक्टन्स आर डोमिनेंट इन लिमनेटिक जोन। द राइट आंसर इज लिमनेटिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिटरल जोन इज फाउंड अलोंग सी। सी के अलोंग जो जोन पाया जाता है उसको लिटरल जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन केस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एब्सेंट होते हैं। अपराइट होने के लिए ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स के नंबर में, लेकिन फॉरेस्ट में जितने पेड़ होंगे उससे ज्यादा संख्या में उसपे बर्ड्स पाई जाती हैं, इसलिए वो अपराइट नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट्स लाइक वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया इज प्रेजेंट इन सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर। क्वेश्चन नंबर 23, फेरेटिमा हम डोमेस्टिक अर्थवर्म को कहते हैं जो खेतों में पाया जाता है। फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम, पहले ऑप्शन लिखा है डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यही करेक्ट है, ये करेक्ट है। और ऑप्शन देख लें, सॉइल इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स नहीं खाता। सुगर केन रूट, नो। स्मॉल पीस ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ मेज एंड अदर्स, नो, इनकरेक्ट हुए। इस तरह से राइट आंसर है 23 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग चेन। चेन है प्लांट, फिर उससे उसके आगे इंसेक्ट्स, फिर फ्रॉग, फिर ए, फिर ईगल। हमको ए उस पॉइंट को जो फ्रॉग को ईट करे और ईगल के द्वारा ईट कर लिया जाए। द आंसर विल बी कोबरा।
कोबरा फ्रॉग को खा लेगा जबकि कोबरे को ईगल खा लेगा और इस तरह से फूड चेन मेंटेन हो जाएगी। रैबिट फ्रॉग को नहीं खा सकता, पैरट फ्रॉग को नहीं खा सकता और वुल्फ भी फ्रॉग को नहीं खाता। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25। इन पिरामिड ऑफ नंबर, एक डायग्राम बना है पिरामिड ऑफ नंबर का, फाइंड आउट द करेक्ट पॉसिबिलिटी। एक तरफ पीपी पीसी एससी टीसी लिखा है, दूसरी तरफ नंबर लिखा है और बीच में डायग्राम बना है। पहले तो इनके मीनिंग समझिए। पीपी का मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर। पीसी का मतलब है प्राइमरी कंज्यूमर, एससी का मतलब है सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी का मतलब है टर्सरी कंज्यूमर। अब ऑप्शंस देखते हैं। लेवल पीसी प्राइमरी कंज्यूमर इज रैट, नहीं रैट, एंड लेवल एससी इज कैट, बिल्कुल नहीं। यदि पीसी प्राइमरी कंज्यूमर रैट है और एससी सेकेंडरी कंज्यूमर कैट है, ऐसा नहीं, कैट ओमनिवोर है। लेवल पीसी इज पीपल ट्री, पीसी कंज्यूमर पीपल ट्री हो ही नहीं सकता, पीपल ट्री प्रोड्यूसर है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हुआ, ऑप्शन ए गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत हुआ। ऑप्शन सी प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन इन सी एंड लेवल टीसी इज वेल। फाइटोप्लैंक्टन यदि एक होगा तो उसपे अनेक कैसे सरवाइव करेंगे, यानी ऑप्शन सी भी रॉन्ग हुआ, तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं, इसी से आंसर हमको निकल जाएगा। फिर भी हम पढ़ते हैं ऑप्शन डी को। द पीसी प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट्स, यस, एंड एससी सेकेंडरी कंज्यूमर इज स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जानिए स्टोरेज ऑफ फूड एट प्राइम एट कंज्यूमर प्रोड्यूसर लेवल इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द स्टोरेज ऑफ फूड एट कंज्यूमर लेवल इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर, पढ़ रहा हूं, पहला ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन मिनरलाइजेशन, दोनों सही है, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म ये भी सही है, न्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अगेन सही है, आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। इनके स्टेप्स हैं फ्रेगमेंटेशन मिनरलाइजेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट मिनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन आर, ये तो हमने आपको आंसर बताया कि 27 क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन है। इन एन इकोसिस्टम स्टैंडिंग क्रॉप एट एनी टाइम कंसिस्ट ऑफ टोटल लिविंग मैटर, स्टैंडिंग क्रॉप एट एनी टाइम कंसिस्ट ऑफ टोटल लिविंग मैटर, टोटल लिविंग मैटर को ही इकोसिस्टम का स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इन ए पिरामिड ऑफ बायोमास प्राइमरी प्रोड्यूसर हैव ड्राई बायोमास 809 केजी पर मीटर स्क्वायर, द बायोमास एट टर्शियरी कंज्यूमर लेवल वुड बी टर्शियरी, द पिरामिड ऑफ बायोमास टर्शियरी कंज्यूमर लेवल पे सबसे कम होगा उसका बायोमास, और इस तरह से ऑप्शन में सबसे कम बायोमास 1.5 kg per meter square है, that will be the right answer. Question number 30. Which is not the functional unit of an ecosystem? Functional unit ecosystem का कौन नहीं है? Productivity living producer से संबंधित है, decomposer ये भी living being है, energy flow ये भी बिना energy flow के process नहीं चलने वाली, the right answer is stratification. Stratification is not functional unit of an ecosystem. Last question, question number 31. National reservoir of phosphorus is rock.
रॉक इज द सोर्स ऑफ फास्फोरस इन नेचर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। थैंक यू सो मच। आप सब कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बॉक्स में आकर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं।